Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. बेटा, इस वक्त जैसे भी हो हालात को संभालना है हमें, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने उनसे कोई भीख तो नहीं मांगी, उन्हें मेरा एहसास नहीं है तो एहसास तुम दिलाओगी उन्हें। देखो, मर्द तो भटकते हैं, रास्ता औरत दिखाती है हमें। मर्द कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि वो एक औरत की उंगली पकड़ के चले। अल्लाह ताला ने मर्द का दर्जा औरत से बुलंद बनाया, फिर उन्हें हमारे सहारे की क्या जरूरत। दर्जा ऊंचा है जब ही तो इधर उधर निकल जाते हैं। सुल्ताना का खत आया है, वो और राबिया आ रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं राबिया से लड़की में बात करना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे गलत बात समझ नहीं आ रही। तो मुझे अभी भी उसी तरह पसंद हो, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ मत कहिए, ऐसा कुछ मत कहिए जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर हसन, मैं मर जाऊंगी। क्या जादू किया बानू बाजी ने आप पे? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? हसन, कौन है तुम्हारे साथ? तुम राबिया हो ना? बानू का ख्याल रखा करें ताकि हसन को पता चले कि आप उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। मैंने तो राबिया से भी कह दिया कि शादी के बाद बानू की सारी जिम्मेदारी हसन की नहीं तुम्हारी होगी। बीवियों को चाहिए कि वो शौहर की जिम्मेदारी को ऐसे निभाएं जैसे उनकी अपनी जिम्मेदारी हो। शौहर बेचारे को तो इन बातों से दूरी रखना चाहिए। तुम कितनी समझदार हो सुल्ताना, खुदा सब बेटियों को ऐसी ही समझदार मान दे। हाँ, नहीं हसन, इधर लाओ, तुम तो कुछ खाते ही नहीं। अरे, 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 अरे वाह, आज तो खाने का मजा दुबाला हो गया। बानो मेरी बेटी, आओ आओ बेटा, इधर बैठो मेरे पास, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आजा मेरी बेटी। ओहो, आजा इधर, शाबाश, आजा 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 आजा। भाई, कोई लाहौर की सैर वैर भी कराई है हमारी बच्ची को कि नहीं? आपा, अब के ना हम चारों चलेंगे दरिया की सैर को और फिल्म देखते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। लो, क्या खाओगी? मैं डाल के दूँ? लो, आजा। ये लो। रावे, ये पानी दो ना भाजी को।
राबिया मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। शुक्रिया गैरों का अदा किया जाता है, अपनों का नहीं। तुमने जिस तरह बानों का ख्याल रखा मैं सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ आपके नहीं मेरी भी रिश्तेदार। आप चाहे मुझे गैर समझते रहे लेकिन मैं आपको और बानो बाजी को अपना समझती हूँ। रबिया उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। एक रास्ता था मुझसे बात करने का। आपके मसले और जिम्मेदारियां मेरे लिए उतनी ही अहम है जितने आपके लिए। अफसोस इस बात का कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। क्या करता भरोसा करके? मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता। अगर मसले का यही हाल होता तो मुझे कब होता। लेकिन बात तो सारी यही है कि आपके इस कदम से मसला हल नहीं होगा। क्यों? मैंने आपकी मोहब्बत और ख्याल चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो आप शादी कर पाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? अगर तो वैसे भी अपनी सारी जिंदगी उसके नाम लिखती है। अब वो जो भी चाहिए वही होगा। अगर वो नहीं चाहती कि शादी करें तो मैं नहीं शादी करूंगा। अगर ये बात थी तो आपको मुझसे मंगने की तोड़नी चाहिए थी। मुझे आपसे शिकायत है कि आपने मेरी ही नजरों में मुझे घिरा दिया। इतना छोटा समझते हैं आप मुझे। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी। अगर आप बानो बाजी को अपनी जिंदगी का मकसद बना दें तो ये काम मैं भी कर सकती। ये तुम्हारी हक तलफी होती। हक तलफी तो आपने की है। भानुबाजी का ख्याल रखना मेरे लिए ऐन इबादत है। उस दिन का वो हाथ देख के मैं सब कुछ समझ गई। खुदा की कसम जो ज्यादती आपने मेरे साथ की है उसके लिए कभी मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अरे छोड़े आपा, आप तो भोली हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं। आजकल की लड़कियां तो ऐसी गिटपिट गिटपिट अंग्रेजी बोलती हैं कि तौबा। मुझे तो बहुत ही बेहुदा लगता है भाई।
बेहुदा क्यों, आखिर जुबान ही तो है। लो भला बताओ ये जुबान है, मुंह घुमा घुमा के टेढ़ा मुंह करके हाउ डू डू, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू, अल्लाह जाने क्या बकवास। खाला जान, अम्मी को अंग्रेजी नहीं आती ना, इसीलिए लड़कियों का अंग्रेजी में बात करने में बहुत बुरा लगता है। लो मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई, 10 दफा बोले मुंह टेढ़ा करके सॉरी वेलकम और पता नहीं क्या यस नो, मुझे क्या। जरा ऊपर आना राबिया। चली जाओ, काम आम होगा कोई। नाराज हूं अच्छा लो काम कर लेते। राबिया तुम भी कमाल हो, तुमने इस मसले को ऐसे हल किया जैसे वो कभी मसला था ही नहीं। मसले बनाने से बनते हैं। और बानो बाजी तो कभी कोई मसला थी नहीं। सुनो, मैं सोच रहा था आज कहीं बाहर चलते हैं। क्यों नहीं, बानो बाजी को भी लेके जाते हैं। तुम्हें लगता है वो मान जाएगी? उन्हें मनाना मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दे। बानुमा जी मेरे साथ चलेंगी? कहा? वो कह रहे थे हम घूमने निकलेंगे, मैंने उन्हें कहा हम बानो बाजी के बगैर कहीं नहीं जाएंगे, चलिए मेरे साथ। परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं अपने सबसे प्यारे कपड़े दूंगी आपको पहनने के लिए, आए मेरे साथ। बहुत प्यारी बच्ची है राबिया। प्यारी? हाँ प्यारी, भाई अहमक लगी है। भला बताओ बानू को ले जाने की क्या जरूरत थी साथ में? सारा सिखाया पढ़ाया 22.5 कर दिया, अब कहेगी हसन के दिल में घर कर लिया मैंने। क्या फायदा ऐसे घर का जिसमें हिस्सेदारी करनी पड़े? तो क्या राबिया शादी के बाद बानू का ख्याल नहीं रखेगी? अरे रखेगी आपा, क्यों नहीं रखेगी, पहले शादी तो हो जाए। मुझे इसके लक्षण है ना, मुझे नहीं लगता हसन इससे शादी करेगा, बानू से कर लेगा। सिखाया पढ़ाया सब जाया कर दिया, कहा था उतना ही ख्याल रखना जितनी जरूरत हो, पागल कहेगी। तुम्हारी चलाकी की भी कोई हद नहीं। अच्छा किया था मैंने बानू की वजह से तुमसे मंगनी तोड़ के। अब मैं सारी जिंदगी उसके नाम पे जीलूंगा, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। बेहतर ये होगा कि तुम अपनी अम्मी को लेकर यहां से चली जाओ। आइए बानो बाजी, मैं आपको तैयार करूं। ठीक,
आइए बैठिए। आहा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आपकी आंखें बानू बाजी, देखिए तो सही। आज जो आपको देखेगा ना वो देखता ही रह जाएगा, आप इस कदर खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह। आप बैठिए, मैं अभी आई। हसन, वो मैं आपसे कह रही थी कि अब कोई नया दांव फिर सिखा के भेजा है तुम्हें तुम्हारी माँ ने। शक्ल से तो बहुत भोली लगती हो लेकिन अंदर से उतनी ही काई हो। तुम में तो इतनी अदाएं कि तुम पे दसियों लड़के अपनी जान छिड़के, तो फिर ये मेहरबानी तो मुझ पे क्यों कर रही हो? कौन सी मेहरबानी? नहीं करनी चाहिए थी मुझे तुमसे। लेकिन क्या इंसान को इतना भी हक नहीं कि अपनी गलती का मुतावा कर ले? क्यों मुझसे शादी करने के लिए इतने पापड़ बेल रही हो? क्या हो गया आपको? क्या कह रहे हो आप? तुम अपने खूबसूरत दांव के जाल में मुझे फंस के अपने फर्ज से बेगाना नहीं कर सकती। ये बात तुम खुद भी समझ लो और अपनी वालदे मोहतरमा को भी समझा लो। आपसे किसी ने कोई बात की है क्या? नहीं, लेकिन जो कहा गया मैंने सुन लिया और वो भी सुन लिया जो नहीं कहा गया। सब समझता हूं तुम लोगों के इरादे में। मुझे भी तो बताएं कि मेरे इरादे क्या है। यही कि बानू का ख्याल रखे तुम मेरा दिल जीत लोगी, उसके इतने करीब आ जाओगी कि मैं उसे तुम्हारी जिम्मेदारी समझ के भूल जाऊंगा, फिर मुझसे शादी कर लोगी और उसके बाद बानो की हैसियत कोने में पड़े एक पुराने फर्नीचर से ज्यादा नहीं होगी। माफ कीजिए लेकिन आप कोई मेडल नहीं जिसे मैं जीत के पहन लूं। आपकी इन बातों ने आज इतना दुख मुझे दिया है मैं बयान नहीं कर सकती। मैं आपके गमों को अपना हम समझ बैठी थी, सारी उम्र आपका साथ देने के लिए तैयार थी। आप बानू बाजी से शादी करते या मुझसे शादी करते या सारा वक्त बानू बाजी के लिए बैठे रहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है। इतनी सच्ची कि आपने बानू बाजी से भी नहीं की होगी। क्योंकि आपसे मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप मुझसे शादी करना चाहें ना तब भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। राबिया, क्या तुम मेरे कहने पे भी हसन से शादी नहीं करोगी? हाँ है लेकिन तो फिर मैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों हूँ?
तो इस कौम की जिम्मेदारी हो। हर बाप मेरा बाप, हर भाई मेरा भाई, हर माँ मुझे बीबी नजर, कोई पसंद था नहीं। नहीं, कोई पसंद था नहीं। तो फिर किस बात का खौफ? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो हसन जाने के लिए। तुम मुझे अपनी मजबूरी मना के राबिया से मुंह मोड़ो। तुम्हारी मजबूरी मुझे कभी अपनी मजबूरी मत समझ। मानो बे बेटा। अभी भी आप ये कह रही हैं खाला जान, बानो भाजी ने अपने खानदान को पूरे पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया और आप उनके लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं देंगी क्या? बड़ी बदनामी हो जाएगी बेटा। अच्छा ठीक है, हम कहीं और रिश्ते की बात कर लेंगे। मैं जानती हूँ आपके अरमान है अम्मा, लेकिन जो खून बानो बाजी के अरमानों का कहा है उनके सामने इनका कोई मुकाबला नहीं। 5 साल कोई छुरी से हर रोज से बांधना कोई आसान काम नहीं है अम्मा। खाला जान और तो कुछ और नहीं, सुरैया खाला की यादगार समझ के रहीनी ना बना लीजिए। उसे मोहब्बत कीजिए। क्या बात है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अपने कमरे में नहीं है। कहाँ जा रहे हो?
हसन क्या हुआ मिली? हसन पुलिस में भी खबर दे दी इश्तिहार आप दीजिए। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं थी, वो अभी एक दो घंटे में मिल जाएगी। नहीं मिलेगी अम्मा, आपको तो पता है कितनी खुददार थी, चली गई। इस हाल में भी वो किसी का एहसान बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी गलती है, पहले देखिए उससे शादी कर लेनी चाहिए। जब मैंने तुम्हें मना किया था मेरे कमरे में आने से, तो तुम्हें वहां पे बात करने नहीं आना चाहिए था राबिया। हसन आपने कब कहा था? तुम्हारे कमरे में। लेकिन मैं तो अपने कमरे में गई नहीं। क्या हुआ? वो तो बानो बाजी थी। क्या कर दिया? खुदा के लिए राबिया मेरे पास से चली जाओ, खुदा के लिए। उसे क्यों डांट रहे हो हसन? उसका क्या? आपको भी मुबारक हो अम्मा, आपके दिल की फांस मैंने खुद ही निकाल दी है। अब रही ना सारी जिंदगी अपने बेटे की लाश के साथ। हसन हसन रुको बेटा, यहां की बैठी हो मेरी रानी? मेरा नाम रानी नहीं बानो है। चलो बानो ही सही, किसी का इंतजार कर रही है? नहीं, आपके पास कुछ पैसे होंगे? पैसे? हाँ, वो इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा है, थोड़ा खाना खिलाते। थोड़ा क्यों, तो साथ चल, खाने की बरसात कर दूंगा तुझ पे। अहमद आ जाओ। बच्चा क्यों ले जाती हो, यहीं छोड़ दो। अच्छा, लेकिन बच्चे को अकेला छोड़ के जाऊंगी तो खो जाएगा। नहीं खो,
कहाँ जा रही हो बहन बच्चा छोड़कर? आपने मुझे पहचान लिया? क्यों नहीं, तुम मेरी बहनों की तरह ही तो हो। तुम इसके रिश्तेदार हो? हाँ हाँ हूँ। जाओ अपना रास्ता ना पाओ। औरतों से ऐसे बात नहीं करते, ये हमें खाना खिलाने ले जा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चा छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ आओ बहन, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। नाम क्या है इसका? इसका कोई नाम है? मुसर्रत, जाओ इसके लिए दूध रोटी ले आओ, पेट भर जाएगा बेचारे का। लाओ इसे मुझे दे दो। बड़ा प्यारा बच्चा है तुम्हारा। ये मेरी नहीं, बसंते की औलाद। तो क्या ये तुम्हारी औलाद नहीं? नहीं, आज से इसका नाम गुलाम अहमद है। ये मुसलमान नहीं है। ये बच्चा है बेटी, इसे सही तरबियत देना हमारा काम। इसके रगों में बसंते का खून, ये सिख है, कभी मुसलमान नहीं होगा। नहीं बेटा नहीं, हमारा ईमान है हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। इन्हें मजहब और कौमियतों में तो हम मान देते हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, खाना खाकर सो जाना, इसकी फिक्र नहीं करना, इसे मुसर्रत देख लेगी। मेरे ख्याल में अब हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, नहीं सुल्ताना, नहीं। तुम लोग चले गए, मैं अकेले उसे कैसे संभालूंगी? तुमने उसकी हालत नहीं देखी। लेकिन अब मैं भी क्या करूं?
मुबारक हो आप सबको। आज फिर वो नहीं होगी। अब हमें वापस ही जाना चाहिए। अरे कपड़े क्यों धो रही हो? छोड़ दो, मैं धो लूंगी। क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं? हाँ हो, लेकिन ये भी तो मेरा घर है ना। हाँ है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना तुम हमारे मैले कपड़े धोगी। मैं तो कई साल तक परमवीर और बसंत के नापाक कपड़े धोती रही। तो मेरे अपनों के कपड़े हैं, इनमें मैल कहाँ? अम्मा अम्मा मानू को समझाए ना, सारा दिन घर का काम करती रहती, मुझे कुछ भी नहीं करने देती। उसे मत रोको बेटा, मसरूफ रहने दो। खाली बैठेगी तो उसकी सोची उसे पागल कर देंगी। कुछ खाएंगे आप? मैंने यखनी बनाई आपके लिए लेके आऊं? क्यों कर रही है सर? इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूं। मैं बानो को मुजरिम राबिया, वो यहां मेरे लिए आई थी और मैंने उसे मायूस कर दिया। आप मायूस मत होइए, वो आपको जरूर मिलेगी। और फिर आप उनसे शादी कर लीजिएगा। तुम क्या करोगी रानी? मैं कहीं और शादी कर लूंगी।